1947 में आजादी के बाद हम गणतंत्र हुए, यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने हमें याद दिलाई। 1950 के बाद देशवासियों ने संविधान पर कभी आंच नहीं आने दी। संविधान की सी मजबूती के कारण आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने अपने संविधान में विश्व के कई संविधानों की उत्तम व्यवस्था को बखूबी अपनाया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 70 साल पहले इसी दिन हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान दिवस को मनाना संविधान शिल्पी के प्रति श्रद्धांजलि है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शी और परिश्रम के द्वारा कालजयी प्रति का निर्माण किया, जिसमें हम सभी नागरिक सुरक्षित हैं। यह हमारा मार्गदर्शन करता है। हमने विश्व के कई संविधानों के उत्तम व्यवस्था को निभाया है। इसी साल देशवासियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर रही। 78 महिलाओं को चुना जाना गौरव की बात है। 70 साल की अवधि में भारतीय संविधान ने जो उपलब्धि हासिल की, उसके लिए सभी नागरिक सराहना के पात्र हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने एक भाषण में संवैधानिक नैतिकता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बात पर जोर दिया था कि संविधान को सर्वोपरि सम्मान देना और वैचारिक मतभेदों के ऊपर उठकर संविधान सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का सार तत्व है। मोदी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देशवासियों को 1950 में याद दिलाया था कि हम गणतंत्र बन गए हैं और इस आजादी को बनाए रख सकते हैं। मैं 130 करोड़ भारतीयों के प्रति नतमस्तक हूं। उन्होंने कभी भी इसे झुकने नहीं दिया। देशवासियों ने कभी संविधान पर आंच नहीं आने दी। संविधान की मजबूती के कारण एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाया है। 70 साल पहले आज ही के दिन संविधान के एक एक अनुच्छेद पर चर्चा हुई। यह सदन ज्ञान का महाकुंभ था। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, हंसा मेहता, गोपाल स्वामी अयंकर ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान देकर यह महान विरासत हमें सौंपी है। संविधान की भावना एक पंथ है। यह हमारा पवित्र ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारा जीवन, मूल्य, व्यवहार, परंपरा आदि का समावेश है। साथ ही इसमें चुनौतियों का समाधान भी है। संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनुपालन भी है। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जो संविधान में लिखा नहीं है, उसे हम आपसी सहमति से पूरा करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि आज संविधान में उल्लेखित बातों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। लोगों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को कर्तव्य के बारे में बताना होगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान पहले होना चाहिए। हमें अपने मातृभाषा की इज्जत करना और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि आज के दिन नया इतिहास रचा गया था। आजादी के बाद हम पर संविधान निर्माण की महती जिम्मेदारी थी। भीमराव अंबेडकर ने सभी भारतीयों के साथ मिलकर संविधान का निर्माण किया। हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और समाज का आईना है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। मौलिक कर्तव्य 51A को अपने जीवन में उतारे तो यह मानव जीवन को परिवर्तित कर देगा। वैज्ञानिक सोच को विकसित करते हुए श्रेष्ठता हासिल करें। समय आ गया है सभी सांसद देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर 250 रुपए मूल्य का सिक्का और स्मृति डाक टिकट जारी किया है। सिक्के के एक तरफ सत्यमेव जयते लिखा है, दूसरी तरफ संसद भवन का चित्र है। संसद में भारत के संविधान के इतिहास पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और लोकसभा कैलेंडर 2020 का लोकार्पण हुआ। प्रदर्शनी में संविधान के निर्माण से लेकर इसके लागू होने तक की कहानी प्रदर्शित की गई है। साथ ही भारतीय संसदीय प्रक्रिया में राज्यसभा की भूमिका पुस्तक विमोचन हुआ है। राष्ट्रीय युवा सांसद योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था।
लेकिन संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को ही औपचारिक तौर पर अपना लिया था। इसका उद्देश्य संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में लगे प्रयासों को दुनिया भर में प्रसारित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में यह दिन मनाया जाएगा। इसके बाद सरकार ने 19 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सांसदगण, आप सबको तथा विदेश देश और विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोगों को भारत के संविधान की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। ठीक 70 साल पहले आज ही के दिन इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। सन 2015 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की दिशा में एक सराहनीय पहल थी। आज पहली बार दोनों सदनों के सदस्यों की भागीदारी के साथ हम सब संविधान दिवस को सेंट्रल हॉल में मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी और प्रतिभागी होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। यह संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। हम भारतवासियों में सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है। हमारी यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे संविधान के निर्माण में भी झलकती है। हमने विश्व के कई संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया है। साथ ही हजारों वर्षों से चले आ रहे हमारे जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों ने भी हमारे संविधान पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारा संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा निर्मित, भारत के लोगों का संविधान है। यह एक राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसके विभिन्न सूत्र भारत की प्राचीन सभाओं व समितियों, लिच्छवी तथा अन्य गणराज्यों और बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक प्रणालियों में भी पाए जाते हैं। असाधारण सूझबूझ से युक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने विभिन्न विचारधाराओं के संतुलन व समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकों में असाधारण विवेक, ईमानदारी, साहस और परिश्रम से संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया। हमारे संविधान में भारतीय लोकतंत्र का दिल धड़कता है। इस जीवंतता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने भावी पीढ़ियों द्वारा समयानुसार आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के लिए भी प्रावधान शामिल किए। माननीय सांसदगण, आज भारतीय लोकतंत्र की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। इसी वर्ष हमारे देशवासियों ने 17वें आम चुनाव में भाग लेकर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न किया है। इस चुनाव में 61 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया
मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही। 17वीं लोकसभा में आज तक की सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना हमारे लोकतंत्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी संसदीय समिति में आज 100% सदस्यता महिलाओं की है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है जिसमें आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर झलकती है। 70 वर्ष की अवधि में भारतीय संविधान ने जो उपयोगिता व सम्मान हासिल किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के हकदार हैं। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सराहना के पात्र हैं। संघ और राज्यों के तालमेल को आगे बढ़ाते हुए सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तक की हमारी यह यात्रा संविधान की गतिशीलता का उदाहरण है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। भय, प्रलोभन, राग द्वेष, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त रहकर शुद्ध अंतःकरण के साथ कार्य करने की भावना को हमारे महान संविधान निर्माताओं ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपनाया था। उनमें यह विश्वास जरूर रहा होगा कि उनकी भावी पीढ़ियां अर्थात हम सभी देशवासी भी उन्हीं की तरह इन जीवन मूल्यों को उतनी ही सहजता और निष्ठा से अपनाएंगे। आज इस पर हम सबको मिलकर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने एक भाषण में संवैधानिक नैतिकता अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि संविधान को सर्वोपरि सम्मान देना तथा वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर संविधान सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का सार तत्व है। सरकार के तीनों अंगों, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले सभी व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों तथा सभी सामान्य नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना अपेक्षित है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का आदर करे, आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए रखे और उनका पालन करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इनके अतिरिक्त संविधान में नागरिकों के अन्य कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। कर्तव्य और अधिकार के विषय में गांधी जी ने कहा था कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन ही है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन यदि हम कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों के पीछे दौड़े तो वह मृग मारीचिका के पीछे पड़ने जैसा ही व्यर्थ सिद्ध होगा। हमारी संसद ने मूल कर्तव्यों के प्रावधानों को संविधान में शामिल करके यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। मूल कर्तव्य नागरिकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में संविधान की अंतरात्मा को देखा जा सकता है। माननीय सांसदगण, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रखने का कर्तव्य भी। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाकर यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने जा रहा है तो उसे ऐसे हिंसात्मक व अराजकतापूर्ण काम से रोकने वाले व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने कर्तव्यों को निभाकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां अधिकारों का प्रभावी संरक्षण हो सके।
मानववाद की भावना का विकास करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। सबके प्रति संवेदनशील होकर सेवा करना इस कर्तव्य में शामिल है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात की श्रीमती मुक्ताबेन डगली का मैं उल्लेख करूँगा, जिनको इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का मुझे सुअवसर मिला। वे बचपन में ही अपनी आँखों की रोशनी खो देने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण में समर्पित किया। उन्होंने अनेक दृष्टिबाधित बेटियों के जीवन में प्रकाश फैलाया। अपनी संस्था के माध्यम से वे भारत के अनेक राज्यों की नेत्रहीन महिलाओं के जीवन में आशा की किरण फैला रही हैं। ऐसे नागरिक सही अर्थों में हमारे संविधान के आदर्शों को यथार्थ रूप देते हैं। वे राष्ट्र निर्माता कहलाने के हकदार हैं। माननीय सांसदगण, आप सभी सांसदों ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखने की शपथ ली है। आप सबकी तरह राष्ट्रपति के रूप में मैंने भी अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने की शपथ ली है। हम सबको अपनी शपथ व प्रतिज्ञान को निरंतर ध्यान में रखने की जरूरत है। भारत के नागरिक और मतदाता सभी अपने जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान उनके प्रतिनिधिगण अवश्य करेंगे। अधिकांश लोग अपने सांसदों से कभी मिल भी नहीं पाते, परंतु वे सभी आप सबको अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का संरक्षक मानते हैं। इस आशा और विश्वास का सम्मान करते हुए जन सेवा में निरत रहना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में आकर जन सेवा का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। संविधान द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और आदर्श है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना। संविधान निर्माताओं द्वारा सुनिश्चित किए गए समान अवसर के बल पर ही आज मुझे राष्ट्रपति के रूप में संसद की इस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित करने का अवसर मिला है। हमारे संविधान में समावेशी समाज के निर्माण का आदर्श भी है और इसके लिए समुचित प्रावधानों की व्यवस्था भी। आज संविधान संशोधन जैसे शांतिपूर्ण माध्यम के जरिए क्रांतिकारी परिवर्तन की व्यवस्था देने वाले संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने का दिन है। पिछले कुछ वर्षों में समावेशी विकास के हित में किए गए संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए आप सभी सांसद बधाई के हकदार हैं। हमारे देश में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए संविधान सम्मत रास्ते उपलब्ध हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसके पहले ये जरूर सोचें कि क्या हमारा कार्य संवैधानिक मर्यादा, गरिमा व नैतिकता के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि इस कसौटी को ध्यान में रखकर अपने संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करते हुए हम सब भारत को विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में सम्मानित स्थान दिलाएंगे। आइए आज ये संकल्प लें कि हम भारत के लोग अपने संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।